अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको देसी स्टाइल में मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी होगी। यकीनन आप देखकर ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यूट्यूब पे आप फर्स्ट टाइम देखेंगे और तो मैं आपको इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। आपने ज़रूर मुझे फीडबैक भी देना है कि ये रेसिपी आपको आसान लगी है या मुश्किल। वैसे ये मैं अपनी तरफ से बहुत ही आसान रेसिपी आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आपने पानी को बॉईल कर लेना है, और जब भी आपने पानी बॉईल करना है तो बड़ा पतीला लेना है। खुले बर्तन में आपने इसको बॉईल करना है। छोटे और तंग बर्तन में आपने इसको अगर बॉईल किया तो ये बहुत ख़राब हो जाएगी। तो दो पैकेट मैं बना रही हूँ एल्बो मैक्रोनी के, ठीक है। ये जो है एल्बो मैक्रोनी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनती है, और जितनी भी हैं मैक्रोनीस तो उसमें जो है मुझे ये एल्बो बहुत पसंद है, क्योंकि ये परफेक्ट बनती है। पानी जब बॉयल हो तो उसके अंदर आपने नमक भी डाल देना है, और कुछ लोग इसमें घी या ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि ये चिपके नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक बस उनके जहन में ये बात होती है कि इसमें अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये चिपक जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 7 से 8 मिनट आपने फुल फ्लेम पर इसको बॉयल कर लेना है। ज़्यादा टाइम आपने इसको बॉईल नहीं करना, और इसको इतना ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना कि ये परफेक्ट मुकम्मल तौर पर बॉईल हो जाए, बल्कि आपने इसको थोड़ा सा नॉर्मल ही रखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये परफेक्ट मैंने इसको बॉईल कर लिया खुले बर्तन में। फिर आपने जब इसको बनाना है तो आपने खुला बर्तन ही इस्तेमाल करना। फिर उसी बर्तन के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। 2 पैकेट बना रही हूँ एल्बो मैक्रोनी के, तो उसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच जो होते हैं कुकिंग वाले, वो मैंने ऑयल के ऐड कर दिए। अब आपको पता है जब ऑयल गर्म होता है तो उसमें हम प्याज डालते हैं, तो ये मैंने 2 अदद प्याज जो है वो पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिए। और प्याज जो है वो जब भी आप पेस्ट बनाएं तो उसके अंदर पानी थोड़ा सा आपने ऐड करना है, फिर आपने उसका पेस्ट बनाना है। और फिर जब आपने इसको फ्राई करना है, जब प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तब आपने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। इससे पहले आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। पानी जो है प्याज का खुश्क हो गया तो इसके अंदर मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया, खुश्क धनिया। इसका पाउडर मैंने नहीं डाला बल्कि कुटा हुआ डाला है। जब पानी प्याज का खुश्क हो गया तब इसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया है। तो अगर आपने इस तरीके से इस मेथड से बनाई मैक्रोनी तो ये यकीनन आपको एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो प्याज के पेस्ट के अंदर आपने धनिया डाल दिया और इसको एक से ढाई मिनट दो मिनट तक आपने इसको रोस्ट कर लेना है, कुक कर लेना अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये है मेरे पास 1/2 kg बोनलेस चिकन, तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप ज़्यादा बड़े क्यूब्स की शेप में भी काट सकते हैं, छोटे छोटे भी काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा आपने करना है। 2 पैकेट में 1/2 किलो जो है बोनलेस चिकन ऐड कर दें, और इसको हमने गोल्डन नहीं करना बल्कि ये वाइट ही रहेगा। तो ये वाइट मैक्रोनी बन रही है देसी स्टाइल में, तो ये इसकी एक अलग और डिफरेंट रेसिपी है। यकीनन आप जब देखेंगे पूरी रेसिपी तो आपको पता चलेगा। तो चिकन जो है हमारा वाइट ही रहेगा, थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, और फिर ये आप देख सकते हैं इसका हमने कलर वाइट कर लिया। और टमाटर लेने हैं आपने 2 से 3 अदद, और उनका भी आपने पेस्ट बना लेना है, टमाटर का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ें हम पेस्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे तब इसको हम फ्राई करेंगे, जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता, खुश्क नहीं हो जाता। तो इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। आपने इसको मतलब टमाटर का जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। ये आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर पानी है और हमारा चिकन जो है अभी वाइट है, इस शक्ल में ही होगा, वाइट ही होगा। इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे, पानी इसका ड्राई हो जाएगा। ढक्कन लगा दें तो जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन उतारेंगे तो यकीनन ये पानी जो है ड्राई हो चुका होगा। ये देखें आप, बिल्कुल खुश्क हो गया है। और जनाब इस तरीके से आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई भी कर लेनी है।
अब मेथड आप देख रहे हैं, इस मेथड से बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा। और ये मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, ये एक पैकेट के लिए एक चम्मच, दो पैकेट के लिए दो चम्मच। ये तीखा है इसीलिए मैंने पैकेट के हिसाब से दो चम्मच ही ऐड कर दिए हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक हमेशा ऐड किया करें। कुछ लोग आयोडीन इस्तेमाल करते हैं और कुछ सिंपल नमक इस्तेमाल करते हैं, और ये आयोडीन है तो इसलिए मैंने कम मिकदार में ही डाला है। अब जब मसाले वगैरह हम डाल देते हैं किसी चीज़ में भी, भुनाई करते हैं लाजमी, ताकि मसालों का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो चिकन के अंदर आ जाए। और इसको आपने रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, आपने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है ताकि मसाले जो अच्छे से जज़ब हो सकें। और ये आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, चिकन हमारा रेडी है। और इसको भूनते भूनते ही ये सॉफ्ट हो गया, मतलब गल गया। हमें इसके अंदर पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी था, टमाटर के पेस्ट के अंदर भी पानी था, तो ये उसी पानी में ही गल गया है। उसके बाद मैक्रोनी जो कि हमने बॉईल करके रखी थी, ये किसी बड़ी जाली में, आपने जाली वाली टोकरी में या जो कुछ भी है उसमें आपने डाल के रख देना है। पानी इसका ड्राई कर लेना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये खुश्क होनी चाहिए। और फिर आपने हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो अगला प्रोसेस मैं बताती हूँ कि इसके अंदर और क्या हम ऐड करने वाले हैं, जिससे ये बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बनेगी। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर चिली सॉस, हमने इसके ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच खाने वाले वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। उसके बाद हम सोया सॉस डालेंगे, इससे जो है आपकी मैकरोनी का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और एक डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको। तो आपने ये भी 2 से 2.5 चम्मच आपने इसके ऊपर डाल के इसको ढक्कन लगा देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद आपने फिर मिक्स करना है और इसको आपने डिश आउट कर लेना है। अब चिली सॉस और सोया सॉस लास्ट में डालने से क्या होगा कि आपकी मैकरोनी जो है वो, एक तो उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। अगर सारा दिन भी इसको रख के फ्रिज में रख दें, अगर फ्रिज में रखेंगे 2-3 दिन तक ये फ्रेश ही रहेगी। और अगर आपने इसको फ्रेश इस्तेमाल करना है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। आप इस तरीके से बनाकर देखें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आपने अगर इस तरीके से ट्राई कर लिया ना, तो आप हमेशा इसी तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि ये तरीका जो बहुत ही आसान है और कोई इसमें झंझट वाला काम भी नहीं है। और इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ें नहीं ऐड की जो आपके किचन में मौजूद ना हो, बल्कि सारी चीज़ें आपके किचन में होती हैं। तो आपने इसी तरीके से बनाना है, देसी स्टाइल में है ये मैकरोनी। और दूसरी जो होते हैं चाइनीज़ स्टाइल में होते हैं, जो हम बनाते हैं अक्सर, जो होते हैं लोग चाइनीज़ स्टाइल में ही बनाते हैं, लेकिन आज हमने इसको देसी स्टाइल में बनाया है प्याज और टमाटर के साथ। आपने देखा होगा कि अक्सर रेसिपीज़ में प्याज और टमाटर नहीं ऐड करते, बल्कि वो और तरीके से ही बनाते हैं। तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैक्रोनीज़ की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, वो आप देखें। सारी रेसिपीज़ जितनी भी होंगी मेरे चैनल पर, वो एक दूसरे से अलग और डिफरेंट होंगी, क्योंकि मैं हर तरीके से इसको बनाती रहती हूँ और जिस तरीके से ये अच्छी बनती है वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।